आज जलंधर में पंजाब भाजपा के प्रधान श्वेत मलिक द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान श्वेत मलिक ने बताया कि 3 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरदासपुर में आ रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। वहीं इस मौके पर श्वेत मलिक ने कहा कि कल देश में GST दरों को कम किया गया है, जो कि देशवासियों के लिए तोहफा है। वहीं कांग्रेस खासकर पंजाब सरकार पर बरसते हुए श्वेत मलिक ने कहा कि यह सरकार व्यापारियों और आम जनता की दुश्मन है। वहीं 1984 के दंगों में संलिप्त पाए जाने के कारण सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा को लेकर श्वेत मलिक ने कहा कि अन्य राजनीतिक नेताओं की इस कांड में भूमिका की जांच होनी चाहिए। वहीं राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की मांग को लेकर कहा कि गांधी परिवार की इस नस्लकुशी कांड में भूमिका की जांच हो और दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। पंजाबियों नू दिलों प्यार करने वाले साडे प्रधानमंत्री जिहड़े कि दुनिया के सब तो लोकप्रिय नेता ने प्रधान नरेंद्र मोदी जी सुभागशाली हैं असी पंजाब दे लोग के इस आने वाले साल 2019 की जो पहली रैली है उस समय सानू मोदी साहब ने दिता है 3 तरीक नू 10:30 बजे सवेरे गुरदासपुर पुड्डा ग्राउंड जिहड़ी के मेन उत्थे शहर दे विच रैली ग्राउंड है उत्थे प्रधानमंत्री मोदी जी विशाल एक रैली नू संबोधित करनगे। क्योंकि मोदी जी ने पंजाब नू बहुत कुछ दिता है, सिख कौम और पंजाबियों की आस्था की मंग सी 70 साल तो, और ईवन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ भी असं कहने कि जेडे स्थान धार्मिक स्थानों तो पंथ न दूर किया गया है उन्होंने स्थानों के दर्शन दीदार तो मिलन। सो करतारपुर साहब विखे दरबार साहब जिहड़ा सी वो मंग नू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फ्रेट कोरीडोर जिहड़ा करतारपुर साहब कोरीडोर की मंग मनी है वह असी सब उन्होंने धनवादी हैं। और वो नाल ही सुल्तानपुर लोधी जिथे गुरु नानक साहब ने अपने जीवन का बहुत लंबा समय जिहड़ा है बिताया सी उन्होंने हैरीटेज सिटी डिकलेयर किया है। उत्ते स्मार्ट सिटी के सारी सुविधावां दित्तियां जाणगियां जिहदे विच हॉस्पिटल्स होणगे, रेलवे होएगा, एजुकेशन होएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होएगा, और वो नाल ही सुल्तानपुर लोधी के रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। गुरु नानक साहब के नाल रिलेटिड जिन्ने धार्मिक स्थान ने उन्होंने रेल कनैक्टिविटी दी जाएगी ताकि श्रद्धालु उत्थे ईजीली सारे दर्शन कर सकन। एक कॉइन और एक पोस्टल स्टैंप जिहड़ी है वह भी जारी की जाएगी, और वो जी सब तो वड्डी देन है कि जिहड़ी गुरबाणी है वह दुनिया की सब लैंग्वेजेस विच उहदी ट्रांसलेशन कराई जाएगी ताकि गुरु नानक साहब की जो प्रीचिंग्स है वह सारी दुनिया विच पहुँच सकन। उन्हां दा ते संदेश सी मानवता की एकता, समाजिक एकता। सो यह तोहफा जिहड़ा मोदी साहब ने दिता, और दूजा तोहफा पंजाबियों के लिए सी कि जिहड़ा श्री दरबार साहब का लंगर उहदे ते GST जिहड़ी सी मुक्त करन दी मंग सी तो जो वेव ऑफ कीती है मोदी साहब ने, दरबार साहब ही नहीं सारे धार्मिक स्थानों तो GST जिहड़ी है वेव ऑफ कीती है। और उस तो बाद 84 दे जिहड़े दंगे सी सिख कौम ते होया अत्याचार जिहदे विच कि निर्दोष हज़ारा सिखां दे गले च टायर पा के उन्हां नू जला दिता गया। और एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि जो बड़ा एक अजीब जी उन्होंने स्टेटमेंट थी इन्ना हत्याकांड जिन्हों कहते हैं 1947 तो बाद सब तो वड्डा हत्याकांड थी उहदे विच स्टेटमेंट दी कि जो कोई वड्डा रुख डिगदा है तो धरती कंबदी है। कांग्रेस शुरू तो झूठ बोलती रही, नकारती रही, राहुल गांधी ने भी नकारिया कि इस हत्याकांड नाल कांग्रेस का कोई लिंक नहीं। कांग्रेसियों ने इहदी जांच भी ठंडे बस्ते पवाती, 34 साल डिले की बंद कर दी कि साडे कोल एविडेंस नहीं। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ SIT ਬਣਾਈ, ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ MP ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ MP ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਰ ਹੋਏ, ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ HKL ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕ੍ਰਿਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ।